टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा आज मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा दी गई नृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अभूतपूर्व रही। साथ ही कला पथक दल द्वारा मध्य प्रदेश गान तथा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री पीएस चौहान, एसडीएम टीकमगढ़ सहित विभिन्न विभागों अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। परिवार के लिए हर जीव जंतु जीता है, जीव जंतु भी यहाँ पे अपन मनुष्य के अवतार में हम सब प्रकट हुए हैं। हम सब में एक दिव्य शक्ति है, उसको क्रियान्वित करने के लिए कर्म प्रधान हर आदमी जीवन जीता है। सभी पशु पक्षी आते हैं, अपना जीवन जीते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, दिनचर्या निभाते हैं, हम भी वो करते हैं। उसके अलावा ये जो चीज़ हम जो कर सकते हैं, वो सोच के विचार के दूसरों के लिए क्या काम कर सकते हैं अपने विकास के साथ साथ, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बता डाला। इसीलिए मैं भी चिंतन कर रहा था कि आप और हम प्रिविलेज्ड लॉट है ना, हमारे पास ऐसी असीम शक्ति है जिससे हम दूसरे का जीवन प्रभावित अच्छा या बुरा दोनों कर सकते हैं। आम आदमी अपना जीवन जी रहा है, वो व्यापार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कुछ कृषि कर रहा है, अन्य कार्य कर रहा है, उनका एक लिमिटेड स्कोप है। लेकिन हम जो आज इस प्रांगण में इस चार दीवारी कलेक्टर कार्यालय के इसमें बैठे हैं, तो ये कलेक्टर कार्यालय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, चाहे वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।